हेलो ऑल, मैं मोनिका वर्मा फ्रॉम बीएमएस ओवरसीज जलंधर से। आज हम कनाडा के जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, टॉपिक तो जर्नल है जिस पे हमने ऑलरेडी काफ़ी टाइम बोला है, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम चेंजेस लेके आ रहे हैं कि विजिटर वीज़ा जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास तो इनविटेशन लेटर या स्पॉन्सरशिप लेटर होता है जो कि उनको बुला रहा है और वो विजिट कर रहे हैं उसके पास। लेकिन अगर किसी के पास इनविटेशन लेटर नहीं है तो वो टूरिस्ट वीज़ा पे कैसे ट्रैवल कर सकता है कनाडा में, एंड वो कैसे अप्लाई कर सकता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई कर सकता है सो डेट कि उसको वीज़ा मिले एंड उसकी रिजेक्शन के जो चांसेस हैं मिनिमम हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड कौन से हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपका पासपोर्ट, पासपोर्ट के बाद आपकी फोटोग्राफ, फोटोग्राफ के बाद आपकी फैमिली हिस्ट्री, देन ट्रैवल हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री के बाद आपकी प्रॉपर्टी रिपोर्ट्स, वेल्थ रिपोर्ट, इनकम टैक्स रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट्स, आपके जॉब के प्रूफ एंड आपके बिजनेस के प्रूफ। जब हम बात कर रहे हैं जॉब के प्रूफ, तो जॉब के प्रूफ में आपको ज्वाइनिंग लेटर दिखाना है, अगर आपने ऑलरेडी जॉब को कहीं लेफ्ट किया तो एक्सपीरियंस लेटर देना है, आपको NOC अपनी प्रोवाइड करनी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना है, लीविंग लेटर लेनी है। इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ जब आप अपनी फाइल लगाओगे तो वीज़ा के चांसेस हाई रहेंगे। अब बात करते हैं हम एकोमोडेशन की, कि अगर आप एक टूरिस्ट वीज़ा पे अप्लाई कर रहे हो, टूरिज्म पर्पस है आपका, तो आप स्टे कहाँ पे करोगे। टूरिज्म में स्टे के लिए हम होटल बुकिंग करवाते हैं, एंड जब होटल बुकिंग हम करवाते हैं तो उसमें मेजरली जो एक क्लाइंट जहाँ पे प्रॉब्लम आती है एक्चुअल में, वो है कि वो डमी एक होटल बुकिंग लगा लेते हैं जिससे कि वीज़ा के चांसेस कम हो जाते हैं। सो जब भी आपने होटल बुकिंग करवानी है आपकी होटल बुकिंग कन्फर्म होनी चाहिए। टिकट की कॉपी लगा रहे हो, आइटनरी लगा रहे हो, तो वो भी कन्फर्म आइटनरी लगाओ सो डेट कि कहीं पे भी केस वीक ना आए। बैंक स्टेटमेंट की बात करो तो करंट फंड्स आप दिखा सकते हो, बट आपको लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट लगानी ही लगानी है सो डेट कि एम्बेसी को ये क्लियर हो कि आपके अकाउंट में जो पैसा है वो कंटिन्यूस रनिंग में आ रहा है एंड वो एक्सपेंसेस भी हो रहे हैं साथ साथ में। बिकॉज पैसा अकाउंट में इकट्ठा आना और एक करंट वैल्यू दिखाना वो प्रॉब्लम करेगा कि अगर आपने 1 महीना पुरानी स्टेटमेंट लगाई है, 10 लाख रुपये दिखा दिया, तो वो एक इशू आ सकता है। तो 6 महीने पुराना आप अपना बैलेंस दिखाओ, चाहे बैलेंस कम है लेकिन फिर भी अगर वो रनिंग में आ रहा है तो वो एक जेन्युइन फंड्स की गिने जाते हैं। एंड अगर आपने अकाउंट में पैसा, आपके पास कोई कैश है जिसको आपने अपने अकाउंट में डलवाया है, तो ट्राई आप करो कि अकाउंट ट्रांसफ़र हो। अकाउंट ट्रांसफ़र फिर भी एक जेन्युइन फंड माना जाता है, बिकॉज एक पर्सन आपके अकाउंट में पैसा डाल रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक लिंक बनता है कि आपने किसी से पैसा, किसी को दिया होगा जिसने आपको वापस किया, आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करी, आपने कोई गोल्ड सेल किया जिससे आपके पास पैसा आया। तो पैसा ट्रांसफ़र, अकाउंट ट्रांसफ़र हो तो बेटर है एज कम्पेयर टू कि आपने डायरेक्ट कैश डलवा दिया। अगर हम बिजनेसमैन की बात करें तो बिजनेसमैन के लिए आप प्रॉपराइटरशिप अगर है तो प्रॉपराइटर के आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं, पैन कार्ड दिखाना है, इनकम टैक्स रिटर्न दिखानी है अपनी फर्म की। अगर पार्टनरशिप पे आपकी फर्म चल रही है तो पार्टनरशिप डीड दे सकते हो, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, जो भी चीज़ें आप मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकते हो अपनी फर्म से रिलेटेड वो दिखाइए। आपका प्रीवियस एजुकेशन क्या रहा, जॉब क्या रहा, उसको आपस में कैसे आप आर्टिकुलेट, उसको दोनों को कोरिलेट करके आप फाइल लगाते हो, तो वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। कोई भी फाइल लगाने से पहले ये देखो कि आपका पर्पस ऑफ विजिट एक्चुअल में क्या है। अगर एक जनरल विजिट लेना चाहते हो तो आपको एम्बेसी को जनरल विजिट ही दिखाना है, उसमें इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स डालने की भी ज़रूरत नहीं है कि एम्बेसी को ही कहीं ना कहीं पे नेगेटिव पार्ट कुछ दिखे आपकी ओर से। स्पॉन्सरशिप लेटर लेना, उसी के बेसिस पे वीज़ा लेना ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ पर्सन के दिमाग में ये होता है कि अगर हम इनविटेशन लेटर ले लेंगे तो तभी हमारा वीज़ा आएगा। तो इनविटेशन लेटर तो आपने किसी कज़न से ले लिया जो कि बहुत दूर का, जिसका कोई रिलेशन भी नहीं है, आपने उसको एक फैमिली फ्रेंड बना दिया एंड फाइल लगा ली, उसमें भी वीज़ा ना आने के चांसेस ही ज़्यादा है। रीज़न आज के टाइम पे, आज के सिनेरियो में अगर आप इन सब चीज़ों को देखते हो, जो हमारा कल्चर कहता है, जिसमें आप देखते हो कि
इस आज के टाइम पे इतना कोई किसी के पास ना तो टाइम है, कोई किसी को बुला रहा है ना कुछ कर रहा है, तो बेटर है कि जो डॉक्यूमेंट्स है उसी डॉक्यूमेंट्स के साथ फाइल लगाओ, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स के साथ फाइल लगाओ। अपना जो भी पर्पस है आपका विजिट का, जनरल टूरिज्म ही है तो आप जरूर फाइल लगाओ, वीजा आएगा, बट कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स एंड जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स के साथ। चेकलिस्ट के लिए अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है कि क्या डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट होती है, आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे 9883700 पे। फाइल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, फाइल वीज़ा फॉर्म कैसे फिल करना है, या आप हमसे फाइल करवाना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप हमारे ऑफिस में भी विजिट कर सकते हो। अदरवाइज आप ऑनलाइन काउंसलिंग लेके भी अपना सारा प्रोसेस हमसे ऑनलाइन करवा सकते हो। आप इंडिया के किसी भी कोने में हैं या आउटसाइड इंडिया में भी हैं, तब भी हम आपका प्रोसेस कर सकते हैं ऑनलाइन। आपको सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, एज पर आर चेकलिस्ट आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे एंड हम आपकी फाइल प्रोसेस करेंगे। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए जलंधर ऑफिस ज़रूर विजिट करें। अदरवाइज अगर किसी और वीज़ा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, लाइक स्टूडेंट वीज़ा, विजिटर वीज़ा या फिर अदर कंट्री की कोई इन्फॉर्मेशन के लिए, तब भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।